बाद जीवन इतना बदल जाएगा ये तो किसी ने बताया नहीं था। मेरा मतलब आप सब जानते हैं मैं इतनी 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 ज्यादा व्यस्त थी कि आ दे देती हूँ। हमारी बेटियों का जन्म 27 नवंबर को हुआ है। इट वॉज एन ऑस्पिशियस डे, गुरुपूरब का दिन था और देव दिवाली वो भी उस दिन थी। एंड वी आर एब्सोल्युटली ब्लेस्ड दैट दीज टू ब्यूटिफुल सोल्स दे चोज अस एज देयर पेरेंट्स। घर पे मॉम, डैड, अभिनव के मम्मी और पापा वो भी हैं जो हमारी कॉन्स्टेंटली हेल्प करते रहते हैं। And I feel so blessed. I feel so grateful. My mother is such a strong pillar. वो इतनी ज़्यादा supportive है, really. मम्मी बार बार हमेशा कहती थी, मजाक में कहती थी, जब बेटा तुम माँ बनोगे तब तुम्हें अपनी माँ की अहमियत पता चलेगी। And trust me, truly, 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 इन पिछले 30 दिनों में मुझे मेरी माँ की अहमियत, of course, मेरे दिल में बहुत ज़्यादा थी, but अब जो है मतलब I truly truly feel the depth of that thing. जब मम्मा कहती थी जब माँ बनेगी ना तब तुझे समझ में आएगा। Yes, it really really means. And अभिनव की मॉम भी इतने सपोर्टिव हैं, इतनी हमारी हेल्प करते हैं कि I just cannot thank these two mothers enough ने प्यार के लिए और जो प्यार वो अपने सपोर्ट के थ्रू मुझे दिखाती हैं। It's touchwood. आप लोगों ने ये भी पूछा था कि इधर जीवा का मीनिंग क्या है, तो इधा जो है उसका मतलब है प्रॉस्पेरिटी और जीवा मतलब लाइफ लाइन। ये देवियों के नाम हैं और संस्कृत के ओरिजिन से ये लिए गए हैं। हमने 4 नाम पहले से डिसाइड करके रखे थे क्योंकि हमें ऑफकोर्स पता था कि ट्विंस हैं, तो 2 लड़कों के नाम और 2 लड़कियों के नाम हम बहुत पहले से सोच रहे थे। खासकर मैं और अभिनव चाहते थे कि हम ऐसे नाम रखें जिनका मतलब, जिनका कनेक्शन जो है वो हम फील कर सके, और नाम में वजन होना चाहिए और उसका अर्थ होना चाहिए, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। तो जैसे ही ये पैदा हुई तो हमने जब नाम रखा तो हमने सोचा कि इधा जो है वो बड़ी बेटी का नाम होगा और जीवा जो है वो छोटी बेटी का नाम होगा। दोनों नॉन आइडेंटिकल ट्विंस हैं, मतलब कि दोनों की पर्सनालिटीज़ बहुत अलग हैं, चेहरे बहुत अलग है, बहुत कुछ है कहने के लिए, बट अभी फिलहाल तो मैं आपसे सिर्फ बात की जाए रूबी का दिलेक की। लाखों दिलों पर राज करने वाली रूबी का दिलेक ने पहली बार माँ बनने के बाद खोले कई राज। सबसे पहले उन्होंने अपनी माँ के बारे में कहा, उनकी माँ उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। माँ की अहमियत वो पहले भी समझती थी पर जब से वो माँ बनी हैं तब से उन्होंने समझा कि उनकी माँ उनके लिए क्या हैं। उनकी माँ की अहमियत उनकी नज़रों में कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है जब से वो माँ बनी। हालांकि उन्होंने अभिनव के मम्मी पापा को भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव कहा। उन्होंने कहा कि वो भी मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। इसके बाद उन्होंने अपनी बेटियों के बारे में बताया, उनके नाम बताए। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी बड़ी बेटी का नाम ईधा और छोटी का नाम जीवा रखा। दोनों ट्विंस हैं और दोनों दिखने में बिल्कुल अलग अलग हैं। वैसे कौन कौन मानता है कि माँ बनने के बाद हमें अपनी माँ की अहमियत ज़्यादा पता चलती है, मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।